इसका डो हम लोगों ने पहले से ही तैयार करके रखा था। इस वजह से हम लोगों ने इसमें पनीर डाला। इसमें हम लोगों ने पनीर शनीर डालने के बाद घिसते जाओ डालो। कद्दूकस की मदद से हम लोगों ने इसमें पूरे में ढंग से पनीर डालना है, खूब भर भर के पनीर डालना है कि अच्छे से सारा पनीर दिखना चाहिए। अब इसमें हम लोग डालेंगे बटर, खूब सारा इसमें बटर डाला है। और बटर डालने के बाद इसको एकदम ढंग से पूरा बटर फैलाओ, खूब बटर डालो। बटर के साथ इसी में हम लोगों ने खूब मसाला चीज डाला है। मसाला चीज डालते हुए पूरे में खूब अच्छे से मसाला चीज डाल लेना। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अभी बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को इसमें चिली फ्लेक्स डालना है। अब हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। पूरे में ढंग से चिली फ्लेक्स फैला देना है जिससे कि एकदम स्पाइसी और मज़ेदार टेस्टी बने। फिर थोड़ा सा इसमें डालना है ब्लैक पेपर। उसके बाद हम लोगों को इसको माइक्रोवेव तो है नहीं, तो माइक्रोवेव करने का नया तरीका दिखाते हैं। और इसे बेक करने से पहले जो भी आपके पास सॉस हो वो सॉस डाल दें। हम तो किसान की टमाटो सॉस डाल रहे हैं। आपके पास जो भी है मीठी दीजिए वो सॉस आप इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक आपको जैसा पसंद है। अब हम इसे बेक करेंगे, वो बेक कढ़ाई पे नमक डालकर। इससे ये बेक हो जाएगा। जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है इसलिए कढ़ाई पे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम माइक्रोवेव में दिखाएंगे। तो हम इसे थोड़ी देर पकने देना है, 15 मिनट। 15 मिनट के बाद अब ये जब निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।